नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गौतम आपकी दोस्त आपका फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत ने अनुच्छेद 370 को हटा लिए, खुशी में पूरे देश में जश्न और उल्लास देखने को मिलता है। लेकिन उधर ही पाकिस्तान में गुस्सा और आग्रह देखने को बराबर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या है कि इस टाइम सबसे ज्यादा भारत के प्राइम मिनिस्टर और उनकी जनता सबसे ज्यादा खुश है। लेकिन इसी बीच दोस्तों पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बहुत ही दुखी और आक्रोश में देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अभी लगातार बड़े बड़े नेताओं से, जो विश्व के बहुत महान नेता हैं, उनसे मदद मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बिना कहे ही भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से एक बहुत ही बड़ा देश उनका साथ देने के लिए खुद ही चला आया है। पाकिस्तान ने भारत के अनुच्छेद 370 के कदम उठाने के खिलाफ भारत से सारे व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं। दोस्तों, ये सियासी जंग वैश्विक हो गई है और यही लगातार इमरान खान, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, लगातार मदद मांगते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर वैश्विक रंग देने के लिए नए नए चाल चल रहा है और इधर लगातार पाकिस्तान सरकार कश्मीर के मसले पर विश्व के बड़े बड़े नेताओं से साथ मांग रहे हैं। इमरान खान सरकार ने इसके लिए सबसे पहले तुर्की और मलेशिया की सरकार से बात की। हालांकि दोनों ही देशों ने पाकिस्तान को टरका दिया और इस बात को मानने से इनकार भी कर दिया कि वो पाकिस्तान का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। इसके बाद पाकिस्तान ने इस मसले को अरबी नेशन कॉर्पोरेशन में सामने रखा और कश्मीर के मसले पर मदद मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें निराशा ही हाथ लगी और यही ब्रिटेन और अमेरिका सरकार की तरफ से पाक सरकार को निराशा ही हाथ मिली है। और दोस्तों, हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो किसी भी देश के पास ना ही तो मदद लेने गए, ना ही किसी बात के लिए उन्होंने कोई मीटिंग की है, लेकिन फिर भी भारत को वैश्विक नेताओं का साथ लगातार मिलते जा रहा है। पहले भी भारत का साथ UAE और श्रीलंका ने दिया था और कश्मीर मुद्दे को भारत का आंतरिक मसला बताया था। अब यहाँ मालदीव जैसा बड़ा देश भी अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास, मोदी सरकार के पास खुद ही आ गया है। मालदीव ने भारत के इस फैसले को समर्थन कर दिया है और इस बात के लिए भारत सरकार का बहुत ही सम्मान किया है और उनकी बहुत ही हिम्मत बढ़ाई है। हर देश को अपने कानून में आवश्यकता के अनुसार ही संशोधन करने का अधिकार है। सबसे ज्यादा खुशी बात दोस्तों यह है कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसी दूसरे देश से मदद मांगने की जरूरत है ही नहीं और ना ही उन्हें कहीं जाना पड़ता है। खुद बहुत दूर के नेता लोग, बहुत ही विश्व के बहुत बड़े नेता हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलते और हमारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे भारत देश की मदद के लिए वो हमेशा तत्पर हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, हमारा देश अकेला नहीं है, ना ही हम लोगों को किसी देश के प्रधानमंत्री के किसी की जरूरत है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से विश्व के बहुत बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आशा करती हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं कोई यूजफुल वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप ऐसे यूजफुल वीडियो का फायदा उठा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।